जय श्री कृष्णा। सभी मित्रों को मेरे YouTube चैनल सृष्टि ज्ञान में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, एक और जन्म कुंडली का हम अध्ययन करते हैं। ये जो जन्म कुंडली है ये मयूर राव सावंत जी की है। तो मयूर राव सावंत जी, आपने जो डिटेल दी है उसका मैच कीजिए। 29/4/1996 11:53 AM बर्थ टाइम है उज्जैन। आपने सवाल पूछा है मेरा IAS और IPS में सिलेक्शन हो सकता है क्या और कौन से ईयर तक। तो जो जन्म कुंडली निकल कर आई है सामने, वो देखिए कर्क लग्न की है। कर्क लग्न भावुक लग्न होता है, सेंटिमेंटल वाला लग्न होता है। और राशि आपकी सिंह राशि। तो आपने पूछा IAS IPS में सिलेक्शन हो सकता है, तो 100% सिलेक्शन पक्का है, इसमें कोई चिंता करने की बात नहीं है। अब बात करें कब तक, तो मंगल की दशा चली हुई है, मंगल में सूर्य की दशा, तो आपका जो सिलेक्शन होगा 16/3/2023 से 22/7/2023 तक समय है। सिलेक्शन पक्का हो जाएगा, तैयारी कीजिए दबाकर। 100% तय है सिलेक्शन, क्योंकि सूर्य उच्च का है, मंगल के साथ बैठा है दशम भाव में, अद्भुत है, अद्भुत कुंडली है। तैयारी कीजिए, चिंता मत कीजिए। फिर आपने पूछा है मैरिज कब तक होगी। कर्क लग्न है, शनि सप्तमेश होते हैं, मार्केश होते हैं, तो दाम्पत्य सुख में ये कमी करते हैं। शादी हो जाएगी, वैवाहिक जीवन आपको मिलेगा, दाम्पत्य सुख तो मिलेगा क्योंकि शुक्र अपने घर का भी है और शनि थोड़ा सा लेट कर देते हैं। तो जो शादी का समय है वो है मंगल में शनि की जैसे ही दशा आएगी, तो ये आपके लिए रहेगी 22/8/2020 तक का टाइम अच्छा है, मतलब इसी साल टाइम अच्छा चल रहा है, कोशिश जारी रखिए। फाइनेंशियल कंडीशन कैसी रहेगी। फाइनेंशियल कंडीशन के लिए बात करें, लग्न आपका 11 डिग्री का है, तो थोड़ा सा आपको ये ध्यान रखना है कि आपको अपने शरीर को, आपके मनोबल को मजबूत रखना है, किसी दूसरे के घर का खाना पीना नहीं खाना है, और अधिकतर हो सके तो आप कुछ भी काम करते हैं तो उसका दशांश आप दान कीजिए, कुत्तों को, गायों को, गाय को सेवा आप कीजिए, लग्न मजबूत होगा। राहु तीसरे में बैठा है तो ये भी आपको बुलंदी तक पहुंचा देगा। कर्क लग्न सिंह राशि, नक्षत्र शुक्र का है, पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र, कुंडली आपकी अद्भुत है, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है। चंद्रमा थोड़ा सा अकेला है तो ये आपको कन्फ्यूजन की स्थिति में लेकर आएगा, थोड़ा डिस्टर्बेंस करेगा, मानसिक थोड़ी शांति दे सकता है ये, बाकी कोई समस्या नहीं है। शादी के बाद आपका भाग्योदय संभव है क्योंकि शनि भाग्य भाव में उपस्थित हैं, गुरु धनुराशि में उपस्थित हैं, तो आपको भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देंगे उसमें आपको सक्सेस मिलेगी। तो माता पिता की सेवा आपको करनी है, ये उपाय हैं आपके लिए जो बता रहा हूँ। माता पिता की सेवा करनी है, सूर्य नारायण भगवान की सेवा करनी है, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, सूर्याष्टकम का पाठ कर सकते हैं, हनुमान चालीसा पंचमेश होते हैं मंगल, हनुमान चालीसा या सुंदरकांड का पाठ शुरू कीजिए। हनुमान चालीसा और सुंदरकांड कैसे पढ़ते हैं, क्या तरीका है, यह मैं वीडियो को लास्ट में दूंगा, आप क्लिक कीजिए और देखिएगा उन वीडियो को, किस तरीके का उनका विधान है पढ़ने का, तो आप भी फायदा उठाइए और लोगों को शेयर कीजिए। मंगल थोड़ा सा अस्त है, निर्बल है, तो छोटे भाई जो भी हैं, छोटे हैं आपसे जो, उनकी मदद कीजिए और योगासन, प्राणायाम, मेडिटेशन आप कीजिए। जितना आपका शरीर मजबूत होगा, जितना आपका मन मजबूत होगा, उतनी संभावना है आपकी कुंडली में और अच्छी मजबूत हो जाए।
मंगलवार का व्रत रखिए, यथाशक्ति 11, 21, 51 जो भी आपकी शक्ति यथाशक्ति है, बजरंग बली को, मंगल देवता को और सूर्य देवता को। लाल मसूर की दाल आती है उसका आप देसी घी में हलवा बनाइए, उनको भोग लगाइए, आप अपने परिवार में भी खाइए, फिर आप चमत्कार देखिए। ये आपको करना है दोस्तों। ये थी मयूरराव सावंत जी की जन्म कुंडली। आप भी अपनी जन्म कुंडली का यदि अध्ययन करवाना चाहते हैं, कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं, निःशुल्क परामर्श आपको दिया जाएगा। बस ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए।